लिए आज की खास खबर। लोकसभा चुनाव 2019 आरजेडी ने जारी किया घोषणा पत्र। दलित और पिछड़े को आबादी के आधार पर आरक्षण का वादा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में पार्टी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसमें उन्होंने दलित और पिछड़ों को आबादी के हिसाब से आरक्षण के साथ साड़ी को लीगल करने का वादा किया। भारत ने खारिज किया पाक का हमले का दावा, उसके बयान को बताया युद्धोन्मादी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बयान जारी कर पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के पाकिस्तान पर भारत के एक और हमले की तैयारी के दावे को बेतुका और युद्धोन्मादी करार दिया है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की ये हरकत पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को संदेश देने के लिए है कि वो भारत में आतंकी हमला करे। इस देश में सरकार व्यापारी होती है, वहाँ लोग भिखारी हो जाते हैं। नारायण मूर्ति, देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा है कि जिस देश में सरकार व्यापारी होती है, वहाँ लोग भिखारी हो जाते हैं। वही उन्होंने आगे कहा कि नौकरी पैदा करने के लिए सरकार को कानूनी पालन करने वाले उद्यमियों के रास्ते की सभी अड़चनों को दूर करना चाहिए और उसे निष्पक्ष नियामक होना चाहिए। तो एमएनएस न्यूज़ की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।